Hello friend, welcome to Computer Awareness. This is the first video lecture on HTML. Before starting HTML, let me try to explain you about what actual HTML is. What is HTML? Yani HTML kya hai? HTML stands for Hepal Tagmark of Language. HTML ka full form yani kya hai? Hepal Tagmark of Language hai. हेपर टेक हम उस टेक्स्ट को कहा जाते हैं जो कनेक्टिविटी ऑफ द टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हेपर लिंक एग्जांपल के लिए, जो एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट यानी क्या होता है, लिंक होता है, उसको हम क्या कहा जाते हैं, हेपर टेक्स्ट कहा जाते हैं। मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो बेस्ड होते हैं टैग बेस्ड लैंग्वेज को हम क्या कहा जाते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहा जाते हैं। HTML मेनली यूज फॉर डिजाइनिंग क्लाइंट साइड वेब पेज। HTML यानी हम मेनली यानी आमतौर हम यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड वेब पेज बनाने के लिए। जो क्लाइंट साइड वेब पेज हम किसको कहा जाते हैं, जो क्लाइंट साइड यूज़र साइड से रन किया जाता है उस पेज को हम क्या कहा जाते हैं, क्लाइंट साइड वेब पेज कहा जाता है। यूजिंग HTML पेज ब्राउजर गेट यूज़र इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रॉम HTML एलिमेंट्स। HTML पेज को यूज़ करते हुए ब्राउजर यानी जो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम HTML एलिमेंट्स से। HTML एलिमेंट्स क्या है? द HTML एलिमेंट इज लाइक पी टैग, एम एस टैग, एच वन टैग, पी आर टैग, एच आर टैग, ऑल दिस ETC यूज टू डिज़ाइनिंग वेब पेज। यानी HTML एलिमेंट्स को हम यानी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। HTML एलिमेंट्स एंड HTML एलिमेंट्स यूजुअली consists of starting tag and end tag। जो HTML elements यानी कैसे use करते हैं, जो starting tag और end tag तक, the content inside between, जो content लिखता है हम यानी जो starting tag और end tag के बीच में लिखते हैं। For example यहाँ पर मैंने बताया tag name, चाहे p हो, ms tag हो, h1 tag हो, जो भी हो, starting tag लिखा, फिर यहाँ पर कंटेंट लिखा, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, टैग को क्लोज करना पड़ता है। द एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू एंड टैग। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जो स्टार्टिंग टैग और एंड टैग से होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पी टैग लिया, पी टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे कंटेंट लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ, और पी टैग को क्या किया, क्लोज किया। अब हम देखेंगे कि हमने जो जो HTML को फुल फॉर्म में लिखा है पर टेक मार्कअप लैंग्वेज, अब उनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। हेपर टेक्स यानी हेपर टेक्स क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है। हेपर टेक्स which contains link to other text, यानी हेपर टेक्स हम उस टेक्स को कहा जाते हैं जो यानी उसका जो कंटेंट्स है लिंक होता है अदर टेक्स के साथ। द हेपर टेक्स पेज आर इंटरकोनेक्टेड बाई हेपर लिंक, यानी हेपर टेक्स जो पेज है उसको हम कनेक्ट किया जाता है हेपर लिंक से। विन माउस क्लिक ऑन दिस लिंक विच ब्रिंग्स टू न्यू वेब पेज यानी जब हम हेपर लिंक किया वहाँ पे क्या आ जाते हैं, लिंक्स आ जाते हैं। जब हम उस लिंक्स पे जो माउस क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेब पेज पे चला जाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाते हैं, हेपर टेक्स कहा जाते हैं। यानी ये क्या है, लिंक्स दिखाते हैं जो टेक्स से दूसरे टेक्स यानी टेक्स से एक पेज से दूसरी पेज यानी को क्या करते हैं, लिंक करते हैं विद हेल्प ऑफ हेपर लिंक के साथ। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एनी टैग बेस्ड लैंग्वेज नोन एज मार्कअप लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल GML, HTML, HTML, XML, ऑल दिस आर बेस्ड ऑफ टैग। यानी ये सब जो लैंग्वेज है किसे बनते हैं, यानी टैग बेस्ड लैंग्वेज है, सारा टैग की हिसाब से बनते हैं, उसको हम क्या कहा जाते हैं, टैग की बेस पर बनते हैं, उसको हम क्या कहा जाते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहा जाते हैं।
Thank you for watching. In the next video, I will show you basic structures of HTML using editor Notepad++. See you next video.